केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का लगातार 4 दिवसीय अनशन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से एनपीएस को समाप्त करके ओपीएस को लागू करना, डीए की 3 किश्तों को रिलीज करना और 8वीं पे कमीशन की बहाली आदि मुद्दों को लेकर अनशन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय अध्यक्ष जगदम्बा तिवारी, मंडल अध्यक्ष आरपी राव, मंडल मंत्री अवधेश दुबे आदि सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। यूनियन की तरफ से 8 से 11 तक भूख हड़ताल घोषित करी गई थी, उसका अंतिम दिन है, क्या कहेंगे सर, क्या परिणाम निकल रहा है इसका? हम लोग आज 4 दिन से जो लगातार कार्मिक अनशन पे बैठे हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि इस गवर्नमेंट द्वारा जो मजदूरों का हनन किया जा रहा है, मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है, हम लोगों का वेतन आयोग पुरानी पिछले सरकारों ने गठित किया था जिससे कर्मचारियों का समय समय पर वेतन बढ़ता था, उसका निर्धारण किया जाता था, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से ये वेतन आयोग गठित करने के मूड में नहीं है। और क्योंकि 2016 के बाद 2026 में नया वेतन आयोग की रिपोर्ट आ जानी है, अभी तक नए वेतन आयोग का गठन तक नहीं किया गया। एक तो हम लोग कर्मचारी उसका विरोध कर रहे हैं, दूसरे सन 1947 से आज तक कई बार हिंदुस्तान पे आपदाएं आई, लेकिन कभी भी कर्मचारियों का डीए की किस्तें कभी नहीं रोकी गई। इस सरकार ने कोरोना काल में एक आपदा का दिखा करके पहले डीए की किस्तें फ्रीज किया, बाद में उसको ना देने का ऐलान कर दिया और आज तक उस पर इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है, जिसके लिए आज कर्मचारी क्रोध में है, कर्मचारी इसके लिए कार्मिक अनशन कर रहा है। सर अगला कदम क्या होगा अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई तो? जो सबसे बड़ी लड़ाई पहले कर्मचारियों की है वो एनपीएस की है। आज भारत सरकार में, प्रदेश सरकार में बैठे सांसद विधायक ये अपने वेतन में, अपने पेंशन में कोई कटौती नहीं करना चाहते, लेकिन कर्मचारी जो 40 साल 38 साल 35 साल नौकरी करके रिटायर होता है उसको ये पेंशन नहीं देना चाहते। और यदि इसी तरह ये हठधर्मिता पे उतारू रहे तो आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के जितने कर्मचारी हैं, सिर्फ रेल कर्मचारी ही नहीं, ये संगठित होकर के जिस तरह से अन्य संगठन हड़ताल पे आए हैं उसी तरह रेल कर्मचारी भी हड़ताल पे आएंगे और उससे बहुत हिंदुस्तान का नुकसान होगा। इसलिए हम लोगों की हिंदुस्तान सरकार से एक ही निवेदन है कि वो पुरानी पेंशन लागू करें, हमारे जो वेतन आयोग का गठन है उसको जल्दी से जल्दी वेतन आयोग गठित करें, जो हमारी डीए की किस्तें फ्रीज की हुई हैं उनको बहाल करें और हम लोगों के जो अधिकारों में कटौती की जा रही है उन पे कटौती बंद करें। सरकार में आपके बड़े लीडर से कोई अभी तक बातचीत हुई है कुछ? वो बड़े नेताओं से जो हमारे यानी NFIR के महामंत्री मिस्टर एम राघोइया जी हैं उनसे बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कोई रिजल्ट नहीं निकला है, अभी तो कोई रिजल्ट नहीं निकला है। इसीलिए कल हम लोग दिल्ली में सब इकट्ठे हो रहे हैं, दिल्ली में कल धरना प्रदर्शन दिल्ली में है। चैनल देशभर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।